हेलो, वेलकम टू माय क्लासेस। आज की वीडियो में हम गोदावरी अपोहा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो दक्षिण बस्तर की प्रमुख नदियां हैं वो गोदावरी अपोहा तंत्र के अंतर्गत आती है, और जो गोदावरी अपोहा तंत्र के बारे में आज हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोदावरी अपवाह तंत्र है वो गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण, यानी जो छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है, और जो छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य है, यानी जो छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य पठार का जो ढाल है दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर होने के कारण अधिकांश नदियां, जो छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश नदियां गोदावरी में जाकर मिल जाती है। इसका उद्गम, जो गोदावरी नदी का जो उद्गम है ना, वो कहाँ हुआ है? गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से हुआ है। और जो कहाँ जाके फिर ये गोदावरी नदी मिलती है, वह जो गोदावरी नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, विसर्जित हो जाती है। अब यह छत्तीसगढ़ का, यानी जो गोदावरी नदी है, हम बोलते हैं जो गोदावरी नदी है वो छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। समझ में आई इस बात? यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, यह आप लोग को याद रखना है। प्रमुख नदियों में कौन कौन है जो गोदावरी अपोहा तंत्र है, उसमें कौन कौन सी नदी आती है? इसमें आते हैं आपका इंद्रावती, सबरी, बाघ, कोटरी, डंकनी, संखनी, नारंगी, चिंतावागू, तालपेरू, निब्रा, गुडरा, बॉडी, नारंगी, नंदिरा, चिंतावागू, चिंता, ये सब नदी आती है। और गोदावरी नदी पर ही पोलावरम बांध परियोजना है, यानी गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में पोलावरम बांध है, जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती है। तो आप लोग यहाँ पे इंद्रावती, जो गोदावरी अपोहा तंत्र का जो मैप मैंने यह बनाया है, मैप की सहायता से आपको काफी अच्छी तरह समझ में कि कौन सी, मतलब जो गोदावरी अपोहा तंत्र की सहायक नदी है। तो हम स्टार्ट करते हैं गोदावरी प्रवाह। ये आप जो देख रहे हैं, ये गोदावरी प्रवाह है, ये नदी है गोदावरी प्रवाह। यहाँ से ये वेन गंगा से ये किस पर्वत से निकल गई? बाघ कुल झाड़ी, ये राजनांदगांव, समझ में आया? उसके बाद ये गोदावरी से इंद्रावती नदी, ये संगम है, ये भद्रकाली तेलंगाना संगम है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसकी सहायक नदियां हैं, ये इधर देखिए, ये चिंतावागू, नंदीराज, फिर ये आगे बढ़ रही है ऐसे धीरे धीरे करके। उसके बाद ये जो इंद्रावती नदी कहाँ से निकल रही है? ये कालाहांडी के उड़ीसा पर्वत से निकलती है, यहाँ से निकलती है, ये इसकी संगम, इधर आके भद्रकाली तेलंगाना मिलती है, मतलब यहाँ से निकलती है ना। तो इसके जो सहायक नदी है कोटरी, निब्रा, गुडरा, बॉडी, नारंगी, ये इसकी सहायक नदी है इंद्रावती के। फिर हम यहाँ देखते हैं कि गोदावरी, ये सबरी संगम है पूनावरम, ये आंध्र प्रदेश में है। तो जो सबरी, जो कोरापुट उड़ीसा, ये इसके कौन कौन सी, मतलब जो सहायक नदी है, ये देखिए, ये है कांगेर, ये मुनगाबहार, ये कांगेर नदी, ये मुनगाबहार हो गया, ये फिर कोलन हो गया, ये मालिंगर, और अंत में कहा गोदावरी सबरी संगम पूनावरम आंध्र प्रदेश, ये यहाँ से ऐसा है आती है, फिर ये संगम। तो आप ना मैप की सहायता से समझने की कोशिश किया, हो सके कि मैं अच्छे से समझाऊं, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवाइज करूंगा जिससे आप लोगों को काफी अच्छी तरह समझ आए। अगर मैप समझ गए कौन सी नदी कहाँ निकल रही है और कहाँ मिल रही है, तो देखिए ये गोदावरी प्रवाह यहाँ ऐसे निकल रही है, ये गोदावरी प्रवाह, ये संगम इंद्रावती, ये भद्रकाली तेलंगाना, और ये जाके ना सीधा गोदावरी सबरी नदी संगम। सबरी नदी पता है ना आपको, छत्तीसगढ़ की एक ऐसी मात्र नदी है जिसमें आपका नौकायान परियोजना संचालित है, तो यहीं पे आके आंध्र प्रदेश में मिल जाती है, ये लास्ट बॉर्डर है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका देखो ये जो यहाँ से बाघ नदी, बाघ फुलझारी राजनांदगांव, यहाँ से जो संग नदी आती है ये वेन गंगा, फिर आके आपके गोदावरी अपोहा तंत्र में मिल जाती है। गोदावरी अपोहा तंत्र से ये देखो ये संगम है, यहाँ पे गोदावरी, ये जो नदियां है ना, समझने की कोशिश कीजिए, जो इंद्रावती, ये इंद्रावती का संगम हो गया, अब भद्रकाली तेलंगाना, ये गोदावरी, ये संगम हो गया, ये यहाँ पे संगम, यहाँ उसके बाद फिर यहाँ से फिर ऐसा आता है, फिर ये गोदावरी संगम होता है पूनावरम। एक बार फिर मैं और काफी अच्छे समझूंगा, फिर से रिवाइज करा के देखिए आप लोग। सबसे पहले आप गोदावरी अपोहा तंत्र के बारे में जानने की कोशिश, गोदावरी अपोहा तंत्र कहाँ है? गोदावरी अपोहा तंत्र आपका दक्षिण बस्तर, यानी जगदलपुर है, मतलब दक्षिण बस्तर है गोदावरी अपोहा तंत्र। गोदावरी अपोहा तंत्र क्यों?
गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है, दक्षिण भाग में स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य पठार का ढाल, यानी जो छत्तीसगढ़, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल है, उसकी ढाल दक्षिण की ओर है, ये दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है होने के कारण जो हमारे छत्तीसगढ़ की अधिकांश नदियाँ गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती हैं। अभी जो अब गोदावरी नदी का जो उद्गम, ये जो उद्गम बोलते हैं ना, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से ये गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आई? आगे बढ़े। और उसके बाद है बंगाल, जो गोदावरी नदी का विसर्जन कहाँ होता है? अरे भाई, कोई नदी निकलती है तो कहीं ना कहीं तो विसर्जित होती होगी, तो गोदावरी नदी का जो विसर्जन है आपका बंगाल की खाड़ी में होती है, ये बंगाल खाड़ी में जाकर अंत में मिल जाती है। यहाँ तक समझ में आया? और गोदावरी नदी यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। और जो इसकी प्रमुख नदियां हैं वो आपका है इंद्रावती, ये इंद्रावती, इंद्रावती, सबरी, बाघ, कोटरी, डंकनी, संखनी, संखनी, तालपेरू, निब्रा, गुडरा, बोडिंग, नारंगी, नारंगी, नंदीराज, ये बैलाडीला वाला है ना, नंदीराज आपको याद आ गया, लोहेस वाला, फिर चिंतावागू, चिंता। अब गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध बना है, वो कहाँ है पोलावरम बांध? आंध्र प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदी है कौन सी है? ये इंद्रावती है, जो छत्तीसगढ़ में बहती है, इंद्रावती। समझ में आई इस यहाँ तक? अब मैप में चले मैप समझने। हाँ, मैंने यहाँ समझा, देखो इंद्रावती नदी, अच्छा यहाँ समझते हैं, ये राजनांदगांव की बाघ कुल झारी पहाड़ी है, ये राजनांदगांव की, तो यहाँ से नदी आती है, ऐसे ऐसे वेन होते वेन, फिर ये गोदावरी प्रवाह मिल जाते हैं। गोदावरी प्रवाह में मिलने के कारण यहाँ पे एक संगम है, एक संगम है, गोदावरी इंद्रावती संगम, भद्रकाली का संगम है ये गोदावरी प्रवाह। उसका फिर आता है आपका इंद्रावती, इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है? आपका काली हांडी ओडी से, यहाँ से बहते 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 यहाँ तक आए संगम। और जिसकी सहायक नदी है आपका नारंगी, बोडिंग, गुडरा, निवरा, कोटरी, ये सब ना आपकी अब किसकी सहायक नदी है। उसके फिर इधर भी बह रही है, देखो ये संग, ये मुनगा, ये मतलब यहाँ से ये तो इसकी है, ये देखिए संखनी, डंकनी, ये दंतेवाड़ा जिले में ना सबसे प्रदूषित नदी, संखनी, डंकनी, ये भी इंद्रावती की सहायक नदी, नंदीराज, चिंतावाजू, ये सब आकर नदी यहाँ गोदावरी यानी इंद्रावती संगम भद्रकाली तेलंगाना के पास मिल जाते हैं। उसके बाद फिर ये इधर से आते हुए ऐसा 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 ये सबरी, सबरी ये कोरापुट, ये जो उड़ीसा से है, ये यहाँ पहाड़ी से निकलती है सबरी नदी, सबरी नदी याद है ना, ये सबरी नदी इधर मालिंगर ऐसे कर करके ये कोलान मालेंगर, ये जिसकी सहायक नदी आके यहाँ संगम में मिल जाती है। अब गोदावरी और गोदावरी और सबरी संगम को कुनावरम आंध्र प्रदेश में आकर यहाँ मिल जाती है, फिर उसके बाद ये सीधा बंगाल की खाड़ी में चले। अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी अच्छी तरह से उन्हें समझाया हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोग को समझ में आए मैप। अगर मैप समझ में आ गया, अगर आप लोग के दिमाग में अगर ये मैप समझ में आ गया कौन सी नदी कहाँ की संगम है, जैसे कोटरी, नारंगी, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, इंद्रावती, ये सब कहाँ से, वेन गंगा कहाँ से आ रही है, फिर ये संगम कहाँ पे बन रही है, ये सबरी, कोरापुट, उड़ीसा, मुंगा बहार नदी पता है ना आपको, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात इसी मुंगा बहार नदी पे है, कांगेर नदी पे है, आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंदीराज चोटी आपको पता ही, बालाडीला, चिंतावागू हो गया, कोटरी, निब्रा, गुडरा, मालेंगर हो गया, गोदावरी सभी। तो ये यहाँ तक मैंने अपनी कोशिश की कि आप लोग को पूरा समझ में आए, और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया और समझने की कोशिश किया। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं कि सर के ऊपर से निकल गया और चुपचाप बैठे हैं। ओके, तो ये था आपका गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, और ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में है, दंडकारण्य पठार में, और जो छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश नदियां हैं वो दक्षिण में बहने के कारण ये जो है ना, ये अधिकांश नदी दक्षिण में बहने के कारण ये जो छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश नदियां ये गोदावरी अपवाह तंत्र में जाके मिल जाती है, और ये इसको महाराष्ट्र में कैसे बंगाली खाड़ी में, बस इतनी सी बात है। आप लोग को समझ में आया? देखो समझ में आना बहुत जरूरी है, आप कमेंट जरूर कीजिए कि अगर मैं समझ में नहीं आया फिर से मैं कोशिश करूंगा दोबारा समझाने का। तो आज इसको रिवीज करते हैं और आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला, कई बार होता है कि हम जो पढ़ते हैं ना हमारे दिमाग के ऊपर से बाहर से निकल जाते हैं, और मैंने भी देखा है ऐसा कि होता है कि ये समझाया मैं आपको, ये चीज समझ में नहीं आया, फिर वो दिक्कत जाता है बाद में कि आप
तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हम मेरी कोशिश ये रहती है कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी समझ में आए कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ और क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके ये जो है आपको ये जो मैं काफी अच्छी तरह समझ में आ रही है आप लोग को, कमेंट कीजिए। अगर नहीं भी समझ आए तो भी कमेंट कीजिए, कुछ तो बोलिए। ओके एक क्वेश्चन है मिनी माता, ये मिनी माता मिनी माता मिनी मिनी माता मिनी माता मिनी माता जल विद्युत परियोजना स्थित किस नदी पर? मिनी माता जल परियोजना, जल परियोजना परियोजना किस नदी पर, किस नदी पर, किस नदी पर स्थित, किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन ए है आपका महानदी, बी है आपका इंद्रावती, इंद्रावती, और तीसरा है आपका शिवनाथ, तीसरा है आपका शिवनाथ, चौथा है आपका हसदो, हसदो। देखिए एकदम ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, मैंने एकदम काफी एकदम सिंपल तरीके, ज्यादा नहीं टफ नहीं उठाया ताकि लोगों को समझ में आए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से सर क्वेश्चन दे रहे हैं दे रहे हैं। तो मिनी माता परियोजना ये हमने अभी पिछले क्लास में पढ़ा है, मिनी माता बांगू हसदेव डेम जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है कहाँ है भैया परियोजना? तो आपको जिससे पता है कि महाराजी तो हो नहीं सकता, इंद्रावती तो आपके दक्षिण में बहती है, शिवनाथ तो हो नहीं सकता, एक ही बसता है आपका हसदो। तो हसदो नदी जो माचा डोली कोरबा जिला में स्थित है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध हसदो है, हसदो नदी पे स्थित है। समझ में आई साफ मामला? नहीं आई तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, मैं जो पढ़ा हूँ वो आपके दिमाग में क्लिक करे। हाँ मुझसे कई गलतियाँ होती है छोटी मोटी कि कोई क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, जैसे पिछले आपने मैंने पूछा था कि किस नदी घाटी में डेल्टा का निर्माण नहीं होता, वो मुझसे काफ़ी मिस्टेक हुआ था। तो उसमें मैंने दिया था महानदी, दिया था इंद्रावती, दिया था कावेरी, दिया था नर्मदा, तो इसका जो नहीं था ऑप्शन था नर्मदा नदी में कोई डेल्टा का निर्माण नहीं होता, बाकी सभी नदी में डेल्टा का निर्माण होता है, मुझसे एक मिस्टेक हो गई। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मुझे जितना नॉलेज है मैं आप लोग तक शेयर करूँ, हो सके मेरा पढ़ाई ढंग आप लोग को पसंद ना आए, फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैप की सहायता से आपको पूरा चीज़ समझाऊँ। अगर आपका ओके अगर सीजीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही भी है तो इसी के अंदर पूछ ली, जो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है ना, जो आपका सिलेबस है जो आपका अंदर है, जैसे कि आपका रिवर, रिवर हो गया आपका रिवर, रिवर रिवर हो गया, बेसिन हो गया, रिवर बेसिन, और आपका प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट, और आपकी जैसे सिलेबस में रिवर, मैं अभी रिवर ही रिवर पूरा पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझें। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोदावरी अरफान, इसके अंदर जो गोदावरी की जो सहायक, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइब्यूटीज, अरे क्या पढ़ेंगे हम, ट्राइब्यूटरीज, ट्राइब्यूटीज ऑफ गोदावरी, हम क्या गोदावरी की जो सहायक नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा। उसके बाद हमारे एक बचेगा नर्मदा, नर्मदा आपको आता था, नर्मदा की ट्राइब्यूटीज। तो अगर कुछ क्वेरी होगा, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज डू कमेंट। ओके थैंक यू सो मच।